हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप? दोस्तों आज मैं आया हूं पैकर्स मूवर्स और ट्रांसपोर्टर के पास। यहां पे हम इन्फॉर्मेशन जानने वाले, ट्रांसपोर्टर और पैकर्स मूवर्स आखिर क्या सर्विस देते हैं, क्या कुछ एस्टिमेटेड चार्ज होता है इनका। इसके अलावा आज मैं जो आया हूँ, जैसे कि आप मेरे सामने बोर्ड देखेंगे, फर्स्ट शिवम ट्रांस मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी क्या क्या सर्विसेज है, कहाँ पे इनकी जो है ब्रांचेज है और कैसे ये जो है सामान को पैक करते हैं ताकि आपका जो सामान है सेफ रहे, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं इनके ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों हम आ गए फर्स्ट शिवम ट्रांस पैकर्स एंड मूवर्स और सर से यहाँ पर जानते हैं क्या क्या सर्विसेज सर प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ट्रांसपोर्ट अड्डा पर आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? दीपक नाम है सर जी। ठीक है दीपक जी, बात की जाए हमारी कंपनी की, फर्स्ट शिवम ट्रांस मूवर्स एंड पैकर्स की, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? अपना सर जी हाउस होल्ड शिफ्टिंग, कार, बाइक और ये लॉजिस्टिक का भी। ठीक है सर, बात की जाए यानी कि मतलब लोकल शिफ्टिंग है या फिर डॉट, मतलब कहाँ से कहाँ तक सर्विस देते हैं आप? ऑल ओवर इंडिया रहती है सर जी। ऑल ओवर इंडिया, नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहती है। ठीक है, कहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। पैकिंग मटेरियल आप क्या यूज़ करते हैं सर ताकि फ्रेजाइल आइटम है वो सेफ रहे? फ्रेजाइल के लिए तो रहता है सर जी अपने पास क्रेट रहती है। अच्छा। और उसमें बबल में पैक करके और उसमें क्रेट में रख देते हैं और ऊपर ढक्कन होता है उसका, वो जूता है। कपड़े के लिए अपने कार्टून होते हैं, कार्गो के बॉक्स और बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके लिए होती है अपनी थर्मोकोल शीट। ठीक है। नीचे ऊपर एयर बबल लग के और थर्मोकोल शीट लगा के और लेमिनेट हो जाता है, वाटरप्रूफ होता है लाइन के लिए। लोकल के लिए तो सीट है अपने पास, कवर्ड वाली सीट है। सीट में सर मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आइटम ब्रेक हो जाए, टूट जाए? नहीं, सीट मजबूत है, कार्गो से भी ज़्यादा मजबूत होती सीट, वो लोकल की यूज होती है ज़्यादा। ठीक है। तो सर बाइक शिफ्टिंग और कार ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी आप देते हैं? हाँ, बाइक, कार की बाइक। ठीक है सर, यहाँ से गुड़गांव से अगर बेंगलोर के लिए कार ट्रांसपोर्ट करवानी है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कितने टाइम पीरियड में आप जो है शिफ्ट कर देते हैं? सर जी वो तो टाइम रहता है, यहाँ से लोड होने के बाद 4 या 5 दिन में पहुँच जाती कहीं भी ऑल ओवर इंडिया की। अच्छा। टाइम रहता है, आज लोड ना हो 2 दिन के बाद हो, 3 दिन के बाद हो, लोड के हिसाब से रहता है। उसको पार्टी को टाइम दिया जाता है 5 या 6 दिन का। ठीक है। हाँ, तो 1-2 दिन वो यहाँ पे वेटिंग में चल जाता है ना गाड़ी के, तो लोड होते भी निकल पाएंगे। ठीक है। और सर गाड़ियों की बात की जाए, यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है? अपने पास 407, 14 फीट। अच्छा। 17 फीट, 22 फीट, 24 फीट, गाड़ी कौन सी ले लो वो तो नहीं है तो अपने पास मार्केट से भी एयर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसके अलावा एक ये दिक्कत रहती है, पैकर्स मूवर्स की सर्विस जब हम लेते हैं तो काफ़ी जो पैकर्स मूवर्स है इंश्योरेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? हमारा खुद का रहता है। इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट होता है सर? इंश्योरेंस का कोई गाड़ी में फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए होता है, क्या बंदा सामान उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, कोई सक्रिय हो गया, डेंट हो गया, तो हमारा इंश्योरेंस रहता है। तो हाथों हाथ भाई ये तो टूट गया तो ठीक करवा के दे देते हैं, और जो ऐसे ठीक नहीं होगा तो उसका पेमेंट कर देते हैं, जितने की उसने इंश्योरेंस वैल्यू डाली हुई है उसमें 80% दे देते हैं। तो सर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की जाए, यानी कि आपके पास 14 फीट की गाड़ी है, 14 फीट की गाड़ी का सामान है, पैकिंग भी आप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आप कर रहे हैं, लोडिंग भी और अनलोडिंग भी, गुड़गांव से मुंबई के लिए है तो कितना कुछ एस्टिमेटेड चार्ज आ जाएगा? एस्टिमेट वो तो सामान के हिसाब से रहता है कि डेलिकेट है। अच्छा। कितना सामान है, कौन सा सामान है, पैकिंग मटेरियल कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, उसके हिसाब से रहता है। ठीक है। दूसरा सर, मेरे जो व्यूअर्स है आपसे देख, आपको देख रहे हैं, आपसे अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो कैसे आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं, कैसे विजिट कर सकते हैं? विजिट सर जी अपना ऑन रोड पे ऑफिस है। तो अच्छा, एड्रेस आप यहाँ बता सकते हैं? एड्रेस यहाँ का है, प्लॉट नंबर 21, मैन पालम विहार रोड, अशोक विहार फेज 3, अपोजिट सपेंसर मॉल। ठीक है। इसके अलावा सर आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे, जैसे कि आपको पता है आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्पेशली बात की जाए पैकर्स मूवर्स फील्ड की, यानी कि पैकर्स मूवर्स का जो पहले काम था 3 से 4 साल पहले एक अच्छी इनकम होती थी पैकर्स मूवर्स को भी, और अभी जो है रेट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए, इसका क्या कारण आप बताना चाहोगे? जो बंदा जो अंदर भी पीछे है, हमारे तो ऑफिस में आ गया तो उसको तो एक्चुअल रेट देना पड़ेगा, वो तो है नहीं, उसको 10 दे के 20 ले लेंगे, एक्चुअल रहता है। और अंदर क्या है, जो किसी बंदे ने ऑनलाइन देख लिया तो उसको क्या है 10,000 रुपये का कोट दे दिया तो बिल बना के भेज देगा 22,000 रुपये का, तो करेगा क्या बंदा, केस थोड़ी करेगा, नौकरी पैसे वाला आदमी है तो उसको देगा। किस लिए हो रहा है सर, क्या कारण है, इसका मेन कारण क्या है? कंपटीशन, मतलब जहाँ पे एक अच्छा जो हमारे ऑफिस का भी कॉस्ट लग रहा है, हमारी गाड़ियों का कॉस्ट लग रहा है, लेबर का कॉस्ट लग रहा है, तो एक मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें कस्टमर से लेना चाहिए सर्विस के लिए वो हम कॉस्ट हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं,
और वो जो छोटे पैकर्स मोर्स है सिर्फ ऐड देकर ही कम कम पैसे में काम कर देते हैं। हाँ, वो ये कम में नहीं करते। अच्छा। रेट उतना ही लेते हैं। अच्छा। हम एक एक्चुअल बता देते हैं ना, यहाँ पे कोई बंदा आ गया तो उसको बता दिया भाई ये स्कूटी जानी मेरी पटना, उसको बता दिया 5,000 रुपये लगेंगे। बोले नहीं बंद, नहीं भाई मेरा ऑनलाइन किसी से बात हुई थी, वो 2,500 रुपये में ले जा रहा है। वो बिल वो बंदा 7,000 रुपये का भेज देगा और हमको 5,000 रुपये। फिर बाद में ही आता है, वापसी आता है, भाई साहब वो स्कूटी गई नहीं, आपसे ही भेजनी है, वो वापसी ले आए तो हम ही भेजते हैं 5,000। पहले कम कॉस्ट दे के बाद में ज़्यादा पैसा लेता है बंदा। यहाँ पे स्कूटी दे गए। अच्छा। किसी को दे दिया, बंदा तो चला गया पटना। ठीक है। और बाद में बोलते हैं जी मैं आपका बिल ऑनलाइन भेज दूंगा। अच्छा। तो बिल वो 2,500-7,000 भेज देते हैं, बंदा वहाँ से पटना से वापसी थोड़ी आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसीलिए कंपटीशन ये पंगा है। किसी को एक्चुअल बता देना वो जचेगा नहीं। ये ऑन रोड पे बैठे हैं, मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। नहीं सही बात है, बिल्कुल सर। एक सर्विस अगर अच्छी सर्विस देते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी तो आती है सर। कॉस्टिंग आएगी, पैसे तो लगेंगे। ठीक है। तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे एक बार बता सकते हैं सर, आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो पैकर्स मोर सर्विस के लिए। 9350742134। तो दोस्तों ये था पैकर्स मोर और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। इसके अलावा पैकर्स मोर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका या फिर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी एड्रेस डिटेल व कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।